Hello and what's up wonderful people, welcome back to the channel Explorer for Crime. My name is Kanav and Namaskar Ji. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग आए हुए हैं नड में. तो अभी ताज़ा से गुड मॉर्निंग हुई है हमारी. अभी 8:00 हो रहे हैं और पीछे आपको जैसे दिख रहा हो सूरज बाबा उठ चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं सुबह उठता नहीं हूँ. 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं पहले दिन भी सुबह उठा, आज भी और कल भी. हाँ आज 3 है तो आज भी उठ गया 3rd of Jan. तो जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे 3rd of Jan का, जिसका भी बर्थडे आता हो मेरे सब्सक्राइबर का. तो आज का प्लान हमारा कुछ इस तरह से है, आपको एक ब्यूटीफुल सा रोड उसका व्यू दिखाना है आपको. उसके बाद हम लोग जाएंगे मानसर, टाइम मिलेगा तो जाएंगे सुरिनी सर, ठीक है. आपको दोनों लेक्स दिखाऊंगा, आपकी स्टोरी सुनाऊंगा और बहुत सही जगह. अगर आप लोग यहाँ आओ तो आप लोग ज़रूर जाना. और जहाँ पे अभी मैं नड में खड़ा हूँ, अगर कोई चिकन वाला फ़ैन है तो यहाँ पे चिकन वगैरह बहुत मशहूर है, जो देसी चिकन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी अच्छा है. अगर आप आओ तो ज़रूर ट्राई करना. आई एम ए वेजिटेरियन. तो इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी हम चलते हैं वापस नीचे, पानी छानी पीते हैं फ्रेश फ्रूश होके, फिर हम निकलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार जी. तो ये रही हमारी मॉर्निंग टी, चाय वहां था ऐसे. लाओ अंकल जी आइए जा. बस कर गया था फवाद, ये कोड वर्ड है. ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि हैकरों की भाषा है ये. इसी कोडिंग से मैं अपने यूट्यूबर पे, ये देखो बिना देखे उधर देख रहे भी नहीं है. ये देखो कोड देख रहे हो, इनकी कीज देखो, आदि तो स्पीकरों पे बज. अभी ये जितना भी रास्ता हम ट्रैवल करेंगे ये सिर्फ हम लोग दातून करने के लिए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ब्रश करने के लिए. तो एक स्पेशल पेड़ ढूंढने जा रहे हैं हम लोग. अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी हूटिंग वगैरह की, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम जितने भी एक्सप्लोरर गैंग अभी गाड़ी में थी, हम लोगों को एक बंदे के सिवा छोड़ के हम लोगों को ऑफ रोड बहुत ज़्यादा पसंद है. और हमारे पास जो चीज़ है उस पर ऑफ रोड करना नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मल सेडान कार है छोटी वाली, पर हम लोगों को शर्म नहीं है, हम लोग चल पड़े हैं ऑफ रोड की तरफ. लेट्स गो. स्पेशल दातून करने आया स्पेशल. देखिए कैसे ये इनको टाइटैनिक पोज लेके, एक नीचे कर एक ऊपर कर एक राइट कर एक लेफ्ट कर. कोई नहीं. और ये जितना भी आपने सफर देखा ये सिर्फ इसी चीज के लिए था कि हम दातून लेने आए थे. अगर ये चाहें तो नीचे, यहाँ पे इतना गहरा नहीं है, नीचे जाके आराम से तोड़ सकते हैं, पर नहीं, इन्होंने यही हरकत करनी क्योंकि इनको हमेशा से हमें पता है ये क्या करने के लिए पैदा हुए हैं. बोल तो सही, आगे जा रहा हूँ पीछे. अभी हम जहाँ आए हैं हम लोग ब्रश नहीं करेंगे, हम लोग जो देसी दातुन होती है हमारे जड़ा साढ़े इधर आ जाने डोगरे आ जाने दातुन होती है, तो ये सबसे बेस्ट होती है, पेस्ट वगैरह से बहुत अच्छी होती है. तो अभी हम लोग ये जितना भी आपने जो सफ़र देखा ना डेंजरस वाला, ये सिर्फ इसी दातुन के लिए है. तो अब आप लगा सकते हो कि एक्सप्लोरर फैमिली क्या क्या कर सकती है इसी हिसाब से. थोड़ी देर में दातुन करने के बाद हम लोग निकले वॉक पे. हम लोग और आगे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे मैं पहले एक बार आ चुका हूँ और एक बार पहले भी ऑफ रोड करते हुए यहाँ पे मेरी बाइक फंस गई थी और उस टाइम मैं अकेला था. तो इस टाइम हमने कोशिश नहीं की गाड़ी लाने की क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान थी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको एक सीक्रेट लोकेशन दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. कभी भी मैं जब जाता हूँ ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, हर बार ऐसा ही होता है. और इस दिन भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि कारणवश जैसे ही हम लोग इन्जॉय करने लगे उसी टाइम बारिश आने लगी और हमने जो ऑफ रोड किया था वो आगे ही बहुत ज़्यादा, मतलब रोड मड्डी था. और जब हम वापस जा रहे होंगे तो और ज़्यादा मड्डी हो जाएगा. तो अभी आप देखते जाओ जाते वक्त क्या क्या हुआ, आप मान नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया था, बहुत ज़्यादा. और अभी तो हमने सही वाला व्लॉग स्टार्ट किया भी नहीं था, जहाँ पर हमने जाना है हम वहाँ गए ही नहीं थे. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. तो अभी फाइनली, एक मिनट ठप ठप नहीं करना. तो फाइनली अभी हम लोग दातुन करने जो आए थे, आपको जैसे बताया,
तो दातुन करते करते ये रही एक जगह जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको पीछे व्यू दिख रहा हो। तो अभी गाड़ी का जो हमने ऑफ रोड किया है, अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास। लेट्स गो। इट्स सो ब्यूटीफुल यू एंड मी, वी मेंट टू बी इन द ग्रेट आउटडोर फॉरएवर फ्री। बारिश हो रही है जिस रोड से हम आए थे, देख रहे पहले अटेम्प्ट की गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं। चल जाएगी रेस। टायर नहीं घूम रहे गाड़ी कुछ इस प्रकार से है। जान दो फुल स्पीड। यार पानी के उतार के थोड़ी सी घुमाओ यार, टायर बढ़ जा गिले हैं। जैसे हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं वैसे वैसे बारिश और तेज़ हो रही है। इस समय मेरी प्यारी गाड़ी पे मेरा एक भाई कष्ट दे रहा था बहुत ज़्यादा गाड़ी को, बहुत दुख हो रहा था मुझे। तो ये जहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंट है जहाँ पे ये गाड़ी रुक गई। इसके बाद सिर्फ थोड़ा सा एरिया रह गया होगा, जैसे कि 5-10 कदम का एरिया रह गया होगा, और ये गाड़ी नहीं चढ़ने का नाम ले रही थी बिल्कुल नहीं। हमें लिटरली आधा घंटा हो गया था आराम से, इतनी बुरी हालत हो गई थी जैसे आपको दिख रहा हो। इसके बाद ये गाड़ी वाले भैया थे, इन्होंने 2 मिनट लगाए, हमारा तरस खाया और 2 मिनट में आए और हमारी गाड़ी निकाल दी। हम सारे आफ्टर और नहीं चाहिए गाने, तू फोन पकड़ बस, तो शीशे बंद करो भाई सारे पहले अपने अपने। जय माता दी, क्या हो गया हमारे साथ माता, इस असुर को दंड दो माँ। नहीं नहीं अभी नहीं गाड़, इस असुर की चोटी, इस असुर की चोटी काट दी जाए माँ, बलि ले लो, स्वीकार करो ये बलि। 3 और जाएंगे साथ में, क्या फायदा। इस असुर को इतना नहीं पता है कि चप्पल नीचे से वापिस भी लानी हो तो वो नीचे किलोमीटर जाना पड़ता है इसके लिए। पत्थर आगे लगा के फिर गाड़ी को जोर लगा रहे यार, बड़ा जोर लगा था। गाड़ी देखना बेचारी, उसको भी धोना पाया, सभी नाम ले लेना बाद में धोने का, दर्जी मेरी माँ। और ये देखिए हमारे भाई, भाई तूने धोली सचिन, इसको थोड़ी देर बाहर लेने आते हैं, कपड़े धोने दे भाई बीमार। तो अभी हम जा रहे थे मानसर, तो जैसा कि आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये लगी है ट्रकों की लाइन, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कैसे हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अभी फाइनली ये एक और गाँव का रास्ता जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग मानसर तो नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग एक और सीक्रेट लोकेशन पे जा रहे हैं जो मैं डैम श्योर हूँ किसी को नहीं पता होगा। तो अभी मैं आपको एक ऐसी ही लोकेशन दिखाने वाला हूँ, लेट्स गो देयर। और अभी गाड़ी में चलते हैं। ये है जो मैं आपको बोल रहा हूँ गांव वाला एरिया, तो इधर हम लोग जा रहे हैं अब। तो अभी जो हम जिस लोकेशन पे हैं इसका नाम है पापड़ जिसको बोलते हैं, ये वो जगह है। तो जो आपको मेरे पीछे वो ट्रक्स और वो चीज़ें दिख रही हैं वो है मानसर वाला रोड। तो मानसर जो मैंने आपको जैसे सुबह बताया था कि हम लोग जा रहे हैं मानसर पर, अभी हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आप जाम देखोगे तो पूरा ऊपर तक लगा हुआ है, तो इसी वजह से अभी हम लोग चलते हैं आपको और अच्छे से व्यूज दिखाते हैं। लेट्स गो। और सुबह से बारिश हो जा रही है, सारा दिन निकली है पूरा बरखा।
तो जैसे कि स्पोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, तो जितने भी भाई हैं उन सबकी फोन की फ्लैशेज यूज कर रहे हैं। तो ये जो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जितना भी जैसे एरिया है जहां तक लाइट आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा टाली की लकड़ी होती है, ये उससे बना हुआ है। अंकल ये कितना पुराना होना का रहा है? ये अंकल जी जैसे बता रहे हैं 70 ईयर्स पुराना है, और अभी भी ये भी टाली है बिल्कुल अच्छी जैसे आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैंने भी इतने ट्रेडिशनल होम्स देखे नहीं है, पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि बारिश कितनी जोर से हो रही है, तो आप देख सकते हो अभी भी टॉप से, मतलब जैसे कि बारिश हो रही है तो ये लकड़ी है, तो उसके बावजूद भी लकड़ी के ऊपर लड़की के लकड़ी जैसे कि अभी आपको साउंड आ रही है, जैसे कि बारिश हो रही है बाहर, तो अभी भी आप देख सकते हो कि छत से कोई भी पानी वगैरह नहीं टपक रहा, बारिश काफी तेजी से हो रही है। और इसके ऊपर मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जो गोबर वगैरह का लेप होता है, मतलब पूरी एग्जैक्ट नहीं पता टर्म्स क्या होती है, पर जो भी है लीकेज नहीं है। पुराने जमाने की साइंस है, 70 ईयर्स पुरानी, अभी भी लीकेज नहीं है। तो इनके साथ में एक और रूम है, आपको वो भी दिखाते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारे घर में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, जिसमें हम कूट के चीज़ें मसाले वगैरह बनाते हैं। तो पुराने टाइम में ये देखो, इन्होंने पूरी कितनी फर्श के अंदर ये बनाई हुई है, इसको ओखली बोलते हैं, जिसके अंदर मसाले वगैरह जो भी चीज़ें पीसनी है वो इसके अंदर पीसते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा सही लगी मुझे चीज़ें। अभी हमारी बहस हो रही थी कि इसको पोह बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें बोलते हैं हमारे डोगरी में, इसको पोह बोलते हैं। तो उसके साथ मिट्टी को जब मिला के मतलब वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये कम से कम भी देखो कितनी बड़ी स्टोरेज है। तो ये रही जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि दीवार की आप थिकनेस देखो कितनी है, ये मतलब मेरी बाजू से भी लगभग मेरे बाजू जितनी इसी खाली दीवार की थिकनेस रखी हुई है। तो कितनी सही चीज़ है। अब इसके अंदर क्या मटेरियल है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस टाइम ब्रिक्स वगैरह तो होती नहीं होंगी 70 ईयर्स पहले। तो ये हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्री थी पुराने घर के बारे में, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हम और ऐसी बना देंगे। तो ये भी हैंडमेड दरवाजे देखो जैसे आप, मतलब पूरी सही वाली फील आती है यार। ये बात है जैसे जो इसको ऊपर बेस देखो जिस पे ये खड़ा है, ये कितना बड़ा पेड़ होगा यार, जिससे ओहो ज़बरदस्त है यार, हाथों से लकड़ी को जो इतने पुराने टाइम में डिज़ाइन किया हुआ है ये पूरा, ये देखो जैसे जो भी ये लेयर बनाई है। तो ये रहा देसी चूल्हा जो अभी रोटी पका रही है। तो ये रही कुछ स्टोरेज भाई बता रहे हैं जैसे हमें पता नहीं है। तो ये हमारे डॉगी साहब, ये सिर्फ मलाई खा रहे हैं दूध में से ढूंढ के, अभी भी आपको मैं दूध भी दिखा सकता हूँ, इधर आइए खा चुके हैं। ये दूध है, इनको दूध मिला नहीं तो ये पड़ गए इसके। और अभी हमारी हो रही है दाल गरम, ये हमारी रोटियां जो हम घर से लाए हैं, देखिए ये हमारे चावल, और ये हमारी एक और सब्जी है जो थोड़ी सी कच्ची है, अभी इसको पकाएंगे हम, मतलब लग रही है पक्की है पर एक अच्छी है। और ये रहे हमारे बड़े मास्टर शेफ, ये हमारे दो मेन एक्सपर्ट फुकरे जिन्होंने स्टार्ट हमारी मदद से की है। और अभी हमारी कढ़ाई में तड़का लग रहा है, नवंबर में एक्सपायर हो गया, 3 साल की मिट्टी होती है। तो भाई नहीं, भाई का पेट सब बचा लेता है, नहीं भाई हम सूखे चावल नहीं, सूखे चावल खा लेंगे भाई, छोड़ देता है सूखे खा लेंगे, इसमें तड़के के खा लेते हैं, रहने दो भाई। बेस्ट भी होता है बराबर, ये देखो भाई अभी बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है। बेस्ट बिफोर 9 मंथ 9th मंथ फरवरी से 9 महीने लगा, जनवरी 11 महीने होते हैं घर कैलकुलेशन के साथ। और एक महीना पुराना तो चलेगा, ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, एक महीना ही हुआ फरवरी से खा लेंगे, मसाले एक्सपायरी नहीं होते, पूछ लेना ये सोचती हो। तो करंटली अभी हम लोग कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और ऐसे ही अच्छी सी वीडियोस जम्मू के बारे में मैं लाता रहूँगा। करंटली अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी के साथ अलविदा आप सबको, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।